हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं तीन स्टॉक के बारे में, जिसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि सुमित बगड़िया ने रिकमेंड किए हैं। चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगड़िया ने कहा है कि निफ्टी 50 22,200 पॉइंट को पार कर गया और फ्राइडे को एक नए लेवल पर पहुंच गया। 50 स्टॉक इंडाइसेस इस साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ने के बाद नए शिखर पर चढ़ गया और फ्राइडे को हायर लेवल पर एंड होने में कामयाब रहा। सुमित बगड़िया ने आगे कहा है कि 50 स्टॉक इंडाइसेस नियर टर्म में 22,800 के लेवल तक चढ़ने का प्रयास कर सकता है। सो नेक्स्ट वीक बाय के लिए शेयर्स पर सुमित बगड़िया ने तीन स्टॉक की सिफारिश की है, जिसमें से फर्स्ट है JSW स्टील, सेकंड है टाटा मोटर्स एंड थर्ड है ONGC। तो दोस्तों, इन तीनों स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, पर उससे पहले अगर आप नए हो तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों स्टॉक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है JSW। JSW का शेयर करंटली 844 पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो पॉजिटिव टेक्निकल दृष्टिकोण के संकेत दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल ही में 790 के आसपास सपोर्ट लेवल से वापसी की है, जो 20 डेज EMA लेवल के करीब भी है। विशेष रूप से स्टॉक ने 820 पर माइनर रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली पार कर लिया है, जो 20 डेज और 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के करीब है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ये स्टॉक के रुझान में संभावित बदलाव का संकेत देता है। ₹845 के आसपास एक और रेजिस्टेंस लेवल है। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस से ऊपर की स्थिति बनाए रखने में कामयाब होता है तो ये 895 और उससे आगे की टारगेट लेवल की ओर बढ़ सकता है। RSI 57.22 के लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है। ये RSI रीडिंग स्टॉक में बाय इंडिकेट कर रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, सुमित बगड़िया ने JSW को बाय एट अराउंड 836.20 पर बताया है। टारगेट प्राइस 895 विद स्टॉप लॉस 790। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, और उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसे स्टॉक खुद से फाइंड आउट करना सीखना है तो उसके लिए फंडामेंटल को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस को सिर्फ ₹499 में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस को ज्वाइन करते हो तो आप खुद से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस बना सकते हो, क्योंकि हमने उसमें सीक्रेट टेक्निक शेयर किए हैं। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस को सिर्फ ₹499 में ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। टाटा मोटर का शेयर करंटली 989 पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो नए हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पैटर्न बना रहा है। ये अपवर्ड ट्रेंड ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा समर्थित है, जो आगे और ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना का संकेत देता है। इसके अलावा टाटा मोटर का शेयर की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, जिसमें 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज EMA शामिल है। ये एक स्ट्रॉन्ग तेजी की गति का संकेत देता है, जिसका मतलब है कि प्राइस में निरंतर बढ़ोतरी की संभावना है। RSI 73 पर है, जो बाइंग मोमेंटम इंडिकेट करता है। सो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, सुमित बगड़िया ने टाटा मोटर्स के शेयर्स को 987 पर बाय करने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 1060 विद स्टॉप लॉस 943। बात करते हैं दोस्तों थर्ड स्टॉक के बारे में। ONGC का शेयर करंटली 271.40 पर ट्रेडिंग कर रहा है। ONGC शेयर की प्राइस अपने शॉर्ट टर्म 20 डेज, मीडियम टर्म 50 डेज और लॉन्ग टर्म 200 डेज EMA से ऊपर पॉजिटिव स्थिति बनाए रखती है। मूवमेंट इंडिकेटर जो करंटली 59.69 के लेवल पर है, जो फिर से पलट गया है, जो ONGC की नई ताकत का संकेत देता है। ₹275 के लेवल के पास माइनर रेजिस्टेंस का अनुमान है। इस लेवल को पार करने पर ONGC 282 और उससे अधिक के टारगेट प्राइस को टारगेट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। सो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, सुमित बगड़िया ने ONGC को 270.55 पर बाय करने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस 282 बताया है विद स्टॉप लॉस 261। दोस्तों, ये तीनों स्टॉक जो है ये एनालिस्ट सुमित बगड़िया ने रिकमेंड किए है। हम एज ए न्यूज के तौर पे आपको बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं। सो दोस्तों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं दोस्तों और एक नए क्यूरियस एपिसोड के साथ। Until then, stay tuned, stay curious.